नमस्कार मित्रों, मैं अगस्त पांडे स्वागत करता हूं आप सबके आपके अपने परिवार में। आज हम लोग देखो मैच का जादू सीखने वाले हैं। आज हम एक आपको ऐसा जादू दिखाएंगे जिसे आप मुझे जादूगर के नाम से भी जाने लगेंगे। तो जादू दिखाने के लिए मुझे एक सहायक की जरूरत पड़ेगी और सहायक के लिए मैं आप सबका फेवरेट, आप सबके जो चहेते हैं रत्नाकर सर, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज आ जाइए, आपकी हेल्प चाहिए। कोई बात नहीं, हम सहायक ही लाए हैं और किसी लायक नहीं है, सिर्फ हम सहायक के लायक है। कोई बात नहीं, क्या सहायता करनी बता दीजिए। आज हम जादू करने वाले हैं। क्या मजा, मैच का जादू। अरे देखिए, यही सब रह गया है। कहानी पहले समझ लो, करना क्या है सर आप भी समझ लीजिएगा। अच्छा समझाइए। यहाँ पर आपको दो डिजिट का कोई एक नंबर लिखना है। कौनो कोई भी दो डिजिट का, कुछ भी डिजिट का, अपना कुछ भी। आपको 10 से लेकर 99 के बीच में कोई भी नंबर लिखना है। किसी का नंबर लिखना है? किसी का नंबर, उनका भी नहीं, नंबर नहीं लिखना। अच्छा, केवल दो डिजिट। अच्छा, का नंबर, दो डिजिट का। तो ये थोड़ा साफ साफ बताइए, बच्चे सीरियस ले लेंगे सर। नहीं कोई बात नहीं, अभी उनका नंबर, आप दूसरे का नंबर बोलने लगे ना, हमारे दिमाग में दूसरे का नंबर आ गया था। समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको कोई भी दो डिजिट का नंबर लिखना है और बीच में भी नंबर दो डिजिट के ही आने वाले हैं। और मैं बिना इन सब नंबर के लिखे सबसे पहले मैं आंसर बता दूंगा कि लास्ट में जोड़ने पर क्या आने वाला है। देखिए ये सब मजाक अच्छा लगता है, ऑनलाइन में बेइज्जती करवाने के लिए आएगा। अगर ऐसा हो गया तो क्या मुझे जादूगर का टैग मिल जाएगा? नहीं, आप मुझे पार्टी देंगे। ले मतलब जीतेंगे हम पार्टी? हाँ चलिए ठीक है, पार्टी हमारी तरफ। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दो डिजिट का कोशिश कर लीजिए। वैसे होगा नहीं, आपसे कुछ होता नहीं है, मुझे पता है, लेकिन कोशिश कर लीजिए। इनको भरोसा है सर। चलिए देख ले। चलिए एक नंबर, एक डिजिट एक लिखिए, दो डिजिट का कोई नंबर लिखिए। लिख लेते हैं भाई, चलो 37। 37 सर ने लिखा है, 37। और लास्ट में जो आंसर आने वाला है, यहाँ पर अभी कोई नंबर लिखा नहीं गया है लेकिन लिखा जाएगा। इन सबको बिना मैं देखे बिना लिखे मैं आंसर बता दे रहा हूँ। लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 257। अब शुरू करते हैं अपना गेम और यहाँ से शुरू करिए। दो डिजिट का ई ई ई कहाँ से आया, पहले ये हमको समझाइए। जादू लास्ट में बताया था, जादूगर पहले अपने जादू कभी नहीं बताया। लग रहा है हमको मैथ पढ़ना पड़े। चलिए अब यहाँ से कोई डिजिट लिखिए, दो डिजिट का कोई एक नंबर लिखिए। यहाँ पे भी कुछ लिख दे, कोई भी नंबर लिखिए। चलिए हम लिख देते हैं 79। चलिए सर ने लिखा 79 और इसमें हम लिख दे रहे हैं 31। फिर लिखिए कोई दो डिजिट का नंबर। क्या यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये इसमें जो लिख रहे हैं इसमें कुछ लॉजिक है क्या? कुछ नहीं, पहले आप दो डिजिट का नंबर लिखिए, हम बताते हैं। चलिए लिख देते हैं भाई, ये हमको कुछ बनाया जा रहा है, अभी हम वीडियो में नई बार बताएंगे इनको। 38 सर ने लिखा, 38 और हमारी तरफ से रहेगा 72। बच्चों और सर आप दोनों लोगों को मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ऐड करके देख लीजिए, लास्ट में 257 ही आएगा। सिंपल ऐड कर सकते हो, ऐड करिए, अदरवाइज आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। अरे नहीं कॉमर्स का स्टूडेंट है कोई। चलिए ऐड कर लीजिए भाई। ठीक है 25 ठीक तो है। देखा आपने, अब लग रहा है हमको मैथ पढ़ना पड़ेगा। बिना इन सब नंबर के जाने डायरेक्ट मैंने आंसर बता दिया था कि आंसर क्या आने वाला है। है ना जादू? नहीं मान गया सर। पहले इसका बताइए जादू कैसे किए, तब है ना वो होगा। अब बताते हैं हम आपको इसका सॉल्यूशन। तब सॉल्यूशन में देखो कुछ नहीं किया गया, बस इसमें मैथ्स, जिसको थोड़ा बहुत मैथ्स आएगा ना कंप्लीट कर ले जाएगा। हमने किया क्या है बस वो ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, हमने यहाँ पर 5 बॉक्सेस बनाए थे, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में मैंने आपको लिखा था आंसर के लिए बड़ा सा बॉक्स, ठीक है। और मैंने एक नंबर चूज कर लिया है 220, यही क्यों किया बताते हैं अभी। 220 मैंने एक चूज कर लिया था और यहाँ पर जैसे आपने लिखा था 37 लिखा था आपने, तो मैंने 220 में 37 को ऐड कर दिया, कितना आएगा 257 और यही लास्ट में आंसर आने वाला है। रीजन ये है, कैसे मान ले रहे ऑटोमेटिक कुछ मान ले? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इसका रीजन है, इसका रीजन समझिए। इसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि ये दो मिलके 110 हो जाएं और ये दो मिलकर भी 110 हो जाएं, ताकि 110 110 मिलके 220 और 220 में लॉजिक है थोड़ा। 220 में 37 जोड़ने पर 257 ही आएगा ना, तो वही काम यहाँ पर किया गया है कि 37 था और 220 में जोड़ा तो 257 आना चाहिए। अब मुझे इन दोनों को जोड़कर 110, इन दोनों को जोड़कर 110 बनाना था। अच्छा जो ये आप लिख रहे हैं लॉजिक इसमें है, लॉजिक इसमें है, जैसे 17 आपने चूज किया, अब मुझे 110 बनाना है। तो भाई सोचो मत कि 110 कैसे बनेगा, तुम लोग भी सीख लो पांडे सर से। सोचो मत, बस यहाँ देखो, यहाँ पर देखो 9 में 1 जोड़ोगे तब 10 आएगा ना, और 7 में 3 जोड़ेंगे तब 10 आएगा, आपको केवल 10 बनाना है। फिर हमने लिखा 38, 8 में 2 जोड़ेंगे तो
10, ऐसे तीन में क्या जोड़ेंगे, सात जोड़ेंगे तो 10, तो ये भी 110 हो जाएगा और ये वाला भी 110 और लास्ट में आएगा 257। जादूगर ने पहली बार, किसी जादूगर ने अपने जादू खुद बताया है, हम भी सीखेंगे इनसे थोड़ा, वीडियो इधर आने दीजिए तब हम सीखते हैं। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।